Hello guys, Pipe Gears Master here. Hope you all doing awesome as always. नहीं यार चल रहे हैं तो अपने तरीके से सही है. हेलो गाइस कैसे हो. तो आज हम जो है पांडा का ट्रेलर देखेंगे और पांडा के ट्रेलर में जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि अलग होना चाहिए कुमा से. मूवीज थोड़ी अलग होनी चाहिए. अगर इन्होंने भाई पूरे 15 दिन लगाए एक पांडा का दिए कुमा का तो फ़र्क होना चाहिए. तो होप एंड सी के क्या वाकई चेंज है या नहीं है. अगर एक जैसे हुए तो फिर यार मज़ा नहीं आएगा. तो चलें देखते हैं कि क्या होता है इनका ट्रेलर का. तो पांडा का तो डिज़ाइन जो है ना पीछे के जितने भी डिज़ाइन उनसे कंपेयर कर तो डिज़ाइन तो अच्छा है काफ़ी ना. डिज़ाइन मज़े का इसका शाओयू से मिलता जुलता बना दिया और कुमा का भी उससे यानी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. कोई डिटेल वगैरह है काफ़ी वो ही नहीं कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है. बाकी उम्मीद है कि हो सकता है मूवी लिस्ट भी अच्छी हो इसकी भी शाओयू की तरह ही हो जैसे उसकी है हेयाची की तरह. वैसे कि ये नहीं भूलना चाहिए कि इन दोनों को ही हेयाची ने ट्रेन किया है. तो लेट्स गो देखते हैं. ये लुक लाइक मैंने कुछ मिस कर दिया शुरू में. तो ब्लॉक क्लासिक लॉन्चर ओके. ये अब इनकी टॉर्नेडो स्क्रू होगी ओके. सीधा ही दीवार तोड़ दी भाई आर्मर से ओके. ये है अच्छी की थी मूव दी इसको ओके. द विनर शैल डिसाइड ओके. क्यूट इंट्रो भाई ओके विनर. चलो भाई अब तो टुकाई बनती है भाई विनर को ही मिला है ओके. ये मेडिस का हिट स्मैशर है. लो भी शायद हो गई ओके. ये शाओयू की मूव इनटू स्टार गॉड ब्रेक. वाओ मैन इसके पास भी गार्ड ब्रेक है भाई. कुमा के पास भी होगा फिर अगर इसके पास है चुपेर बड़ा भाई सॉलिड थप्पड़ मारे. और ये हो गई इसकी रेजार्ड और ये भी शाओयू से नाइस यार वाकई इन्होंने काम भी किया है भाई. वाह हो गया ये वाह यार नाइस आउट्रो सही है अच्छी बात है यार इम्प्रूवमेंट है दोनों में काफ़ी फर्क है. तो फेस चेक कर है क्यूट लग रहा है यहाँ पे तो नाइस यार इंटरेस्टिंग. पांडा का जो है इन्होंने काफ़ी यानी कि चेंज किया है. उम्मीद है एक चेंज होगा. मूव लेस पूरी देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना ही फ़र्क है. एक मूव दोनों की सेम है हुए हैं हेयाची वाली. तो वो यार अब ये भी है कि इन दोनों को हेयाची ने ट्रेन किया तो थोड़ा बहुत तो कुछ हो गई. तो अब स्लो मोशन में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने मिस कर दी हैं. कुछ बातों में लग गया था. और ये इसका क्या है ये टाइटल क्या है इसको दिया हुआ है. अच्छा प्रीटी प्रोटेक्टर अच्छा लिखी हो गया. अब हम चेक कर लेंगे ये भी इसका अच्छा है ओके. स्लो मो शुरू करते हैं अब पांडा लेट्स गो. लो भाई ज़्यादा स्लो तो नहीं कर दिया ये थोड़ा निकाम है इसको. Let's go. अच्छा इसके हिट इफेक्ट भी इन्होंने कुमा से चेंज किया है जो कि अच्छी चीज़ है. सेम टू सेम नहीं है. प्लस फ्रेम्स मिक्सर ओके चार्जेबल. ये भी हैवी प्लस फ्रेम है भाई और क्राउच में जाता है जैसे कि क्योंकि उसने वाइड राइजिंग फोर मारी है उसके बाद. ये चेक करें ज़रा अब ये मार्किंग प्लस फ्रेम्स फिर उसके बाद ये वाइड राइजिंग जो भी मुझे इसके मूव्स नहीं पता. और ये भी प्लस है और इसके बाद ये क्राउच में है पांडा फुल और ये वायरसिंग फोर ओके ग्रेट. उसके बाद ये सील. अच्छा इसमें दो ही होंगे मैं दूसरे वाला लॉन्चर होगा. तो ये हो गया जी इसका नॉक के बाद पनिश और पनिश भी ओके. इसके बाद सीधा स्टार्समैन और ये ओके. ये टॉर्नेडो स्क्रू है भाई इसमें इसका ये पेड़ के साथ बंदा हवा में घूमता रहेगा. और ये साथ में ठीक है जी ये थप्पड़ बड़ा काम आने वाला है भाई पांडा का कॉम्बोस में. ये कैंसिल करके नीचे और साथ ही आर्मर और आर्मर का फायदा कि आप सीधा ही बालकनी तोड़ो. और माइनस कितनी होगी ये पता नहीं पर वो स्टिल क्राउच में होगा तो हाई वाले पनिश आप नहीं मार सकते मेड से ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ. ये वाली सेम स्ट्रिंग है अच्छी जैसी हैची वाली सेम स्ट्रिंग है ये. वाह बड़ी जोर का मार रहा है बड़ी बड़ी जोर की बैक आ रही है ओके. ये इंटरव्यू करने चलने वाला चलो भाई जल्दी जल्दी
ये उठाया जी इसने, एक मिनट मिस कर दिया हमने कुछ यार। शाओयू का मुझे नहीं कॉस्ट्यूम थोड़ा अच्छा लगा यार, साइड से या फीदर से बहुत यार अजीब लग रहा है ना अपर, या तो थोड़ा बस जो भी है मुझे नहीं ठीक लगा, इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, अजीब सा बैक से ना बहुत अजीब सा लग रहा है। ओके ये टक्कर हो गई हीटिंग इंजन और ये मिड, ठीक है जी इससे ग्राउंड ब्रेक होगा फ्लोर ब्रेक शायद हो सकता है, और ये शाओयू वाली और इसमें सीधा स्टैंड से विंस डिफास और ये करके सीधा गार्ड ब्रेक वी जी रो पी। और ये जिस ब्लूटेल के बाद ओके और ये भाई अच्छी चीज़ है ये भी, इससे तो आराम से होगा फ्लोर ब्रेक। और ये आ गई जी इसकी रेज आर्ट, रेज आर्ट भी अच्छी है दिली। और ये हैंड पे डाउन बैक वन जाओ ये वाला, और ये चेक करो यार फ्लाइंग किक इनटू ये नीचे गिर जाता है। तो यार ओवरऑल अच्छा बनाया इन्होंने, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पांडा में भी, अच्छी बात है यार होना चाहिए चेंज होना चाहिए इसको कुमार से। तो दोनों सेम सेम है तो कोई रीज़न तो नहीं है, तो 200 क्लॉड यूज़ हो रही है भाई इन पे, तो जारी बात है अलग अलग होना चाहिए, अब बंदा खेले तो डिफरेंस होना चाहिए स्टाइल ना। अब कोई गुम्मा से खेलेगा तो वो अलग होगा, पांडा से खेलेगा तो अलग होगा, तो यार ये देखने का मज़ा तो आएगा ना दोनों का, अब एक अलग अलग पर्सनैलिटी हो गई है, तो ये चीज़ जो है अच्छी है। तो यही था इस वीडियो में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, तो सी यू।